हेलो कॉलेज के बच्चों, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी लाइक भैया भैया, सेमेस्टर एग्जाम के लिए कौन सी बुक से पढ़े? अबे क्वांटम से पढ़, जितने पेज लिख कर आएगा ना उतने मार्क्स मिलेंगे। मैम, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए? क्वांटम को छोड़ के किसी से भी पढ़ो, एक भी शब्द फालतू नहीं दिखना चाहिए कॉपी में। देखो यार, क्वांटम इज अ टाइप ऑफ बुक जिसमें ना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, पास्ट ईयर जो आए हुए हैं, पास्ट टू पास्ट ईयर के इवन सैम्पल पेपर्स और 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी। अब बात ये है कि आपको अभी तक समझ नहीं आया कि कहाँ से पढ़ना है, तो उसकी कमी है कि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हो, जानते हो, बट फिर भी मैं कोई क्लास टॉपर वगैरह तो हूँ नहीं। अगर होता तो एक ही ट्यू के सिलेबस पे आपको वीडियो बना रहा होता मैं। एज एन एवरेज स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ यार, अगर आपको डीप लर्निंग करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अपने आप से बनाकर लिखना है, तो क्वांटम को प्रेफर मत करना उसमें। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर कर एग्जाम्स में दे देते हैं। यार और डीपली अगर इस बारे में बात करनी है तो नीचे मैंने कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, ज्वाइन हो जाओ। उसमें आपको टॉपर्स वगैरह मिलेंगे, क्लास टॉपर्स जिन्होंने पहले अपनी कैसे पढ़ाई करी थी वो एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, आपको अपने नोट्स वगैरह शेयर कर देंगे। अगर वन टू वन इंटरेक्ट कर कर अच्छे से आपको समझ आ जाता है तो वहाँ ज्वाइन हो जाओ, कॉल कर लेना, नॉर्मल मैसेज कर लेना, हम सेशंस भी रखते हैं। देखो यार, पहले इतने सीनियर्स तुम्हें ज्ञान दे चुके हैं, तो मैं तुम्हें ऐसे जेन्युइन सीनियर से मिलवाऊंगा जिसने फर्स्ट ईयर में बोर्ड रखा है, उनसे अपना वन टू वन आराम से गूगल मीट या नेटवर्किंग कॉल्स पे कनेक्ट होकर जेनरली पूछ लिया करो कि कैसे होता है, क्या होता है। देखो यार, ज्यादा 30-40 मिनट का तो मैं ज्ञान दूंगा नहीं, मेन बात पे आते हैं। सेशनल्स का तो आपको पता ही चल गया होगा, सेशनल्स UTCAE वगैरह में, वो तो जो आपको टीचर असाइनमेंट देती है, नोट्स प्रोवाइड करती है, उससे आता है। अब बात रही सेमेस्टर में, वहां से कहाँ पढ़े। देखो, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी तो डीप लर्निंग रखना, उसको पूरा प्रॉपर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्वांटम पे आ सकते हो एट लास्ट टाइम पे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा सैंपल पेपर। देखो यार, सिनेरियो रहता है कि सब ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बस पढ़ना तो आपको ही रहता है। कोई कोई खाली क्वांटम से पढ़कर भी टॉप कर देता है, या फिर कोई कोई पूरा डीप पढ़कर भी उसकी बैग आ ही जाती है, जो बोलते हैं कि भर भर कर एग्जाम में पेज लिखने चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि AKTU के एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, जितना भर भर कर, जितना कॉपी भर कर आओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेम सिनेरियो वैसा ही है। देखो यार, ये बात मैंने अपनी नोट्स वाली वीडियो में कही थी जो यहाँ क्लिक हो रही होगी। आपको जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल रहा है ना, सेकेंड ईयर से बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपना फोकस बनाकर चलो कि किससे कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आप फिर सेम उसी चीज से पढ़ोगे अगर क्वांटम की आदत लग गई तो। यार देखो, लास्ट चीज है कि मतलब अगर ऐसा सिनेरियो आ गया, बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है और नहीं पढ़ा तुमने कहीं से भी, सैंपल पेपर और क्वांटम उठा लो, हो जाओगे पास। जनरल लोगों से मिलो यार, मतलब एक्सप्लोर करो जितना कर सकते हो अपने डोमेन में, जो लोग कर रहे हैं उनके साथ मिक्सअप हो, उनसे बात करो, यू विल गेट अ बेटर लाइफ। सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे इंस्टा भी है, व्हाट्सएप सब है, कैसा भी डाउट हो, कोई भी नए आइडियाज, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी चीज़ हो, जस्ट DM में बिल्कुल खुली छूट है। इवन मेरे भी सीनियर्स वहाँ प्रोवाइडेड है, आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो रिलेटेड टू AKTU, रिलेटेड टू साइड हसल्स, कैसी भी पार्ट टाइम चीज, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, किसी में भी आपको इंटरेस्टेड, यू आर फुल्ली ओपन टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ।